हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मतलब बहुत जल्दी जल्दी में हम लोग कॉलेज आ गए, मीन्स मैं आ गई कॉलेज दीपू बाबू को छोड़कर। और उसके बाद फिर हमारा मिड टर्म था, फर्स्ट मिड टर्म हमारा ख़त्म हो गया जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का था, और अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है, सो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी अभी लंच हुआ है तो सब लोग लंच कर रहे हैं, क्लास का भी है, कुछ लोग हैं क्लास में, सेकेंड मिड टर्म का प्रिपरेशन कर। फिर मिलते हैं मिड टर्म के बाद, लंच ब्रेक भी हो गया, मैंने बटर आलू की भुजिया और रोटी लाई थी तो खा ली, तो मिलते हैं दूसरे मिड टर्म के बाद। ख़त्म सेकेंड मिड टर्म भी ऑलमोस्ट अच्छा गया और ख़त्म हो गया, अब तो हमारी छुट्टी हो गई। मैं आ चुकी थके हारे रूम, और अब मैंने रास्ते में जलेबियाँ भी खरीदी है, सो अब जलेबियाँ खाऊँगी। रेडी हो गए मंदिर जाने के लिए, बहुत मनाने के बाद दीपू बाबू ने माना है मंदिर जाने को, वो चाह रहे थे कि आप ना जाए, फिर मैं कल सोच के कल भी नहीं गई, आज भी सोच के आज भी नहीं जाती, इसलिए मैं सोची कि आज जाऊँ, तो अभी हम फिलहाल रेडी हो गए, वो ना आ रहे ना आके फिर जाए। मैं आ गई मंदिर से पूजा करके, मतलब आरती दिखाकर, और अब सारी डिनर बनाने चल रही थी क्योंकि दीपू बाबू को भूख लग गया, कब से वो कह रहे हैं भूख लग गया, जल्दी बनाई, सो सा रहे हैं। अच्छा लगा जब आप दीपक जलाते हो ना तो मन को शांति मिलता है, दीपक की लाइट को अगर एकत्रित होकर देखोगे ना तो उससे भी बहुत पीसफुल महसूस होता है, और मुझे सच में दिया जला के बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आरती करने गई। और अभी ऐसे भी 9 दिन है तो थोड़ा भगवान के लिए तो कुछ तो कर लो, ऐसे तो करती भी नहीं ज़्यादा, अब नहीं करती, पहले करती थी, तो चलते हैं अभी डिनर बनाते हैं। पहले आज डिनर में मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी और चावल, तो चलते हैं पहले जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करके उसके बाद जाकर बनाएंगे। मैं आ चुकी हूँ किचन और मेरी कढ़ाई भी गर्म है, चावल भी चढ़ा दिया और ये आलू और ये गोभी। ये रही मेरी आलू और ये गोभी, तो गर्म हो गया है कढ़ाई, थोड़ा सा तेज कर देते हैं फ्लेम को, फिर चावल पक तेल हो चुका है गर्म,
चुका है मेरा प्यारा सा सब्जी, आलू गोभी की सब्जी और चावल भी रेडी है। हम लोग जा रहे हैं डिनर करने, फिर पढ़ाई भी करना है मुझे यार, बहुत टाइम लग गया है।